अब नीट यूजी पेपर लीक पर घमासान जारी है, तो आज होने वाले एक और परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। आज एनटीए द्वारा ही ली जाने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने फैसला लिया है महज 11 घंटे पहले, यानी कि एग्जाम की डेट से ठीक एक दिन पहले नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला छात्रों के सर्वोत्तम हित में है और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से कहा गया है कि जल्द ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। वहीं एनटीए को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने 3 अहम फैसले लिए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी पेपर लीक की जांच सीबीआई को दी है, साथ ही एनटीए में सुधार के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही एनटीए के डीजी को उनके पद से हटा दिया गया है। यूजीसी नेट के बाद अब नीट पीजी परीक्षा स्थगित। परीक्षा शुरू होने से पहले रुका नीट पीजी एग्जाम। नीट यूजी की परीक्षा को लेकर देश भर में चल रहे हंगामे के बीच अब गड़बड़ी की आशंका के बीच पीजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट पीजी को भी स्थगित कर दिया गया है। नीट पीजी की परीक्षा आज सुबह 8 बजे से होनी थी, लेकिन महज 11 घंटे पहले एंट्रेंस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया कि कुल प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की हालिया घटनाओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की तैयारियों की मजबूती की जांच करने का फैसला लिया है। इस वजह से 23 जून को होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। नीट पीजी पेपर पोस्टपोन करने के स्वास्थ्य मंत्रालय के इस फैसले से डॉक्टर एसोसिएशन काफी नाराज है। 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम था, 9 से 12:30 बजे का टाइमिंग था और वो एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने मेंशन किया है कि इसकी इंटीग्रिटी को, एग्जाम की इंटीग्रिटी को और सेंसिटी को देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया जाता है। एट द लास्ट मोमेंट 10 घंटे पहले एग्जाम से एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब ये बहुत ही एक नीट यूजी के बाद एक नया स्कैम, नीट यूजी का स्कैम हुआ। इसका मतलब सरकार को ये पूरा पूरा भरोसा था कि एग्जाम पेपर लीक हुआ ही है। 2 लाख MBBS डॉक्टर्स इस एग्जाम को देने वाले हैं, नीट पीजी को। इतना बड़ा एग्जाम है ये, 10 घंटे पहले लोग कहां कहां सेंटर से, 500 किलोमीटर कोई कहां से दूर से आया हुआ है, जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है, ये उनकी हेल्थ के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ये सरकार के द्वारा। नीट पीजी पेपर पोस्टपोन करने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा की नई डेट का ऐलान जल्द किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद भी जताया है, साथ ही भरोसा दिलाया है कि ये फैसला स्टूडेंट्स के हित और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। नीट पीजी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड NBE की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई। इस एडवाइजरी में पेपर लीक होने के संदेह की ओर इशारा किया गया था। जांच में कुछ सोशल मीडिया ग्रुप अभ्यर्थियों को अपने जाल में फंसाते हुए पाए गए हैं। पेपर लीक माफिया अभ्यर्थियों से एग्जाम के सवालों के लिए पैसे मांग रहे थे। इसे लेकर NBE की तरफ से मामला दर्ज कराया गया है। वहीं नीट पीजी पेपर पोस्टपोन होने के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। पेपर पोस्टपोन होने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नीट पीजी भी पोस्टपोन हो गई है, यह नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। बीजेपी राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई करने को मजबूर हैं। नीट पीजी एग्जाम पोस्टपोन होने पर कांग्रेस के दूसरे नेता जहां सरकार को घेरने में लगे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के दूसरे साथी इस मुद्दे पर सियासी मौका तलाश रहे हैं। नीट का पीजी एग्जाम आज रात को
पोस्टपोन कर दिया गया। बच्चे ट्रैवल करके पहुंच चुके होंगे अपने अपने सेंटर्स पे, और एक रात पहले ये घोषणा कर देना कि अब एग्जाम नहीं होगा, ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से चार दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। ये क्या लीपापोती चल रही है? किसको बचाया जा रहा है? क्या एक अफसर जिम्मेदार है सारे एग्जाम्स में जो घपले हो रहे हैं उसमें? क्या उसके ऊपर किसी का वरदहस्त नहीं है? ये जांच कब होगी? कब ये सारे जवाब लोगों को मिलेंगे? एनटीए कह दीजिए ना कि हम यह संसाधन या पीजी का एग्जाम भी सरकार ने डिपार्टमेंट ने पोस्टपोन कर दिया है। अगर ये एग्जाम सरकार चार पांच दिन पहले, एक हफ्ते पहले पोस्टपोन कर देती तो आज छात्र जो फंसे हुए हैं वो इसमें नहीं फंसते। छात्रों के फोन आने शुरू हो गए हैं कि हम दिल्ली से दूर आगरा फंसे हुए हैं, जो यूपी का छात्र है वो किसी और जगह दूर फंसा हुआ है, छात्र घबराए हुए हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि शिक्षा के साथ ऐसे भद्दे मजाक ना करें, और जो एनटीए के भी डायरेक्टर को रिप्लेस कराएं। खाली रिप्लेस करना एक सलूशन नहीं है, सलूशन है कि एनटीए को तुरंत बैन करा जाए और साथ के साथ नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाए। ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि हर जगह वो छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर, छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है। हमने देखा कि नीट पीजी से लेकर यूजीसी नेट, उसके बाद सीएसआईआर नेट, और उसके साथ ही साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि बिहार टेट, जहां जहां एनडीए की गवर्नमेंट है वहां वहां ये स्कैम आ रहे हैं, खुलकर आ रहे हैं, और एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, छात्रों को परेशान किया जा रहा है, और यही एनडीए की सरकार है जो लगातार छात्रों और युवाओं के पीठ पर छुरा घोंप रही है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, भारत की स्वास्थ्य मंत्रालय के पास यदि कोई आशंका थी तो उस आशंका को और पूरी गतिविधि को और पूरी अपनी कार्रवाई को विद्यार्थियों के सामने लाना चाहिए था। आज विद्यार्थियों के मन में सवाल ये है कि परीक्षाएं यदि रद्द हो रही है तो उसके कारण क्या है, उसको सुस्पष्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज पूरे देश भर में विद्यार्थी चल करके अपने शहर से दूसरी शहरों के अंदर में परीक्षा देने के लिए आते हैं, और अचानक परीक्षा रद्द होने का निर्णय से कहीं ना कहीं छात्रों का मनोबल टूटता है। वहीं नीट पेपर लीक और एनटीए के कामकाज को लेकर किरकिरी झेल रहा शिक्षा मंत्रालय अब एक्शन मोड में आ गया है। शनिवार को शिक्षा मंत्रालय ने तीन बड़े फैसले लिए। नीट यूजी पेपर लीक की जांच सीबीआई करेगी। एनटीए में सुधार के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन। और तीसरा फैसला, एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाकर प्रदीप सिंह खरोला को डीजी बनाया गया। शिक्षा मंत्रालय ने सुबोध कुमार को हटाकर आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का महानिदेशक नियुक्त किया है। सरकार के इन तीन फैसलों को पेपर लीक मामले में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ने एनटीए में सुधार के लिए जो हाई लेवल कमेटी बनाई है उसके अध्यक्ष इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन को बनाया गया है। ये हाई लेवल कमेटी एग्जाम प्रोसेस में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें देगी। ये हाई लेवल कमेटी दो महीने के अंदर शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हाई लेवल कमेटी को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही कह चुके हैं कि उनका मकसद ट्रांसपेरेंसी, टेंपर फ्री और जीरो एरर एग्जाम कराना है। छात्र हित और उनका उज्ज्वल भविष्य हमेशा केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं शिक्षा विभाग की जिम्मेवार व्यक्ति के नाते मेरे चिंता देश के विद्यार्थियों के साथ है। देश की विद्यार्थियों के मन में कोई भय, भ्रांति, आशंका, अफवाह ना जाए, ये मेरे दायित्व है। मैं आज की दिनों में इतना ही कहूंगा, ये राजनीतिक अवसर नहीं है। अभी अभी चुनाव खत्म हुआ है, लोगों ने एक आदेश दिया है, और बाकी रहा फिर संसद बैठे, वहां भी चर्चा होगी। प्रजातंत्र में कोई भी विषय पे चर्चा की कोई खुशी को उसकी विकल्प, जो भी कोई व्यक्ति उसमें संश्लिष्ट होगा उसको दंडित किया जाएगा, और उसमें एनटीए की कुछ सुधार भी होने की आवश्यकता है, उसकी भी दायित्व लेगी, और कोई गड़बड़ी स्प्रेड ना हो उसकी भी चिंता की जाएगी। एनटीए में सुधार के लिए बनी इस कमेटी में डॉक्टर के राधाकृष्णन के अलावा एम्स दिल्ली के एक्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वीसी प्रोफेसर बी जे राव, आईआईटी मद्रास की सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर राममूर्ति, पीपल स्ट्रांग और बोर्ड सदस्य कर्मयोगी भारत के सह संस्थापक पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर आदित्य मित्तल, शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल समेत सात मेंबर होंगे।
शिक्षा मंत्रालय हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एनटीए में सुधार करेगा। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार को पद से हटाकर कर दी है। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा स्पेशल बुलेटिन। नीट पेपर लीक के बाद परीक्षाओं को रद्द करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब एक और एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। आज होने वाले नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में पेपर लीक होने के संदेह की ओर इशारा किया गया था। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। आपको बता दें नीट यूजी की परीक्षा एनटीए ने 5 मई को आयोजित करवाई थी, जिसका रिजल्ट 4 जून को घोषित किया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की निगरानी और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। साथ ही एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटाकर रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी बनाया गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नीट पेपर लीक से जुड़ी पूरी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस स्टेटस रिपोर्ट में आरोपियों के कबूलनामे से लेकर गवाहों तक की गवाही है। वहीं जांच के दौरान सीज किए गए फोन, लैपटॉप, टैब और जले प्रश्न पत्र को सबूत के तौर पर पेश किया गया है। बिहार ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को वीडियो एविडेंस भी भेजा है। ईओयू की रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय करेगा। इसी बीच झारखंड पेपर लीक मामले में देवघर से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं ईओयू ने पेपर लीक करने वाले संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है।